बिहार में कोरोना के लगातार बढ़ रहे केस के बीच गुरुवार यानी कि 1 अप्रैल से 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा रही है। इस टीकाकरण योजना की शुरुआत खुद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने की, जिसके बाद राज्य भर के टीकाकरण केंद्र पर लोगों ने कोरोना की वैक्सीन ली। जिस बीच पटना के जक्कनपुर में नेस्टिवा हॉस्पिटल में भी 45 वर्ष से ज्यादा के कई लोगों ने कोरोना का टीका लिया, जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश भट्ट और आई न्यूज के CMD ध्रुव कुमार बुधप्रिय और उनकी पत्नी सविता मौर्य समेत कई अन्य लोगों ने कोरोना की वैक्सीन ली और लोगों को कोरोना का टीका लेने के लिए जागरूक किया। पहले बहुत डर लग रहा था, लेकिन अभी कुछ नहीं लग रहा है। आगे के लिए डर लग रहा है, ऐसा लगती है। अच्छा, कुछ परहेज भी बताया गया है? नहीं, कहाँ कुछ बोला। अच्छा, हाँ, वो आने के लिए ना। अब अगला डोज कब बताया गया? अगला 6 सप्ताह, 4 से 6 सप्ताह ले लिए। अच्छा लगा। अच्छा, पहले तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन अब ऐसा कोई खास बात नहीं है। हम चाहेंगे कि हमारे सभी बिहारवासी सब लोग कोरोना के सुई आकर अपने स्वच्छता से दें और अपने इम्यूनिटी को बढ़ाएं, यही मेरी शुभकामना है। सभी लोग को टीका लेना जरूरी है, टीका लेना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। आपकी जिंदगी आपकी अपनी संपत्ति है, इसकी पूरी देखभाल करना आपकी तो कैसा अच्छी है, कैसा महसूस कर रहे हैं? एकदम नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कुछ परहेज भी बताया गया? नहीं, ऐसा कुछ बोले नहीं, लेकिन बोले 30 मिनट आप यहाँ वेट करके तब जाएंगे। अच्छा, अगला डोज लेने का डेट मिल गया है? नहीं, अभी तो कुछ पेपर नहीं सुना है कि मोबाइल पे मैसेज आता है। अच्छा अच्छा, मोबाइल घर पर है। कुछ उसके लिए सावधानी भी बताया गया है? कुछ नहीं, सावधानी यही बताया गया है कि आप 30 मिनट वेट कर लीजिए, उसके बाद जो है आप से 30 मिनट वेट करने के बाद जो है आप अपना आराम से अपने घर जा सकते हैं। कोई परहेज भी बताया गया है? नहीं, कोई परहेज नहीं। अगला डेट कब मिला है आपको? बोला कि 6-7 सप्ताह के बाद। ठीक सर, बेटर महसूस कर रहे हैं, अच्छा महसूस कर रहे हैं। इसके लिए कुछ सावधानी भी आपको बताया गया है? हाँ, बोला गया कि आधा घंटा रेस्ट करने के बाद निकलने का। अच्छा फील कर रहे हैं? गवर्नमेंट गाइडलाइन के अनुसार आज से, मतलब कि 1 अप्रैल से, लेकिन शुरू हुआ है 45 साल से ऊपर सारे लोगों का वैक्सीनेशन। कोमॉर्बिडिटी जिनकी वो है या जिनको नहीं है, उन सारे लोगों का वैक्सीनेशन 1 अप्रैल से गवर्नमेंट की गाइडलाइन से शुरू हो गया है। उससे पहले सिर्फ 45 साल से ऊपर जिनको कोमॉर्बिडिटी थी या सीनियर सिटीजन जो थे उनका वैक्सीनेशन होता था, लेकिन अब ये है कि लोग, बहुत सारे लोग खुद से रजिस्टर करके आते हैं आरोग्य सेतु से, तो उसमें ज़्यादा हमें सुविधा होती है। बहुत लोग नहीं भी कर पाते हैं, सीनियर सिटीजन है चाहे जो भी है, तो हमने अपना अलग 1-2 स्टाफ को उसमें लगा दिया है कि आने के बाद उनका रजिस्ट्रेशन ये लोग आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू फटाफट कर लें और साथ में फिर उसके बाद वैक्सीनेशन में कोई डिले ना। वैक्सीन लेने के बाद क्या क्या एहतियात बरतना चाहिए लोगों को? वैक्सीन लेने के बाद हम लोग अभी, जैसे कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, आधे घंटे तक ऑब्जर्वेशन में रखना है पेशेंट को। आधे घंटे ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद देखना है कोई साइड इफ़ेक्ट ऐसा तो नहीं हो रहा है मेजर, जो कि एनाफाइलेक्सिस जो मेजर साइड इफ़ेक्ट होता है, जिसको यूजली अवॉइड करने के लिए हम लोग देखते हैं, जिसमें इमरजेंसी जरूरत पड़ती है। तो आधे घंटे में अगर नहीं हो रहा है तो हम मानते हैं कि कुछ आगे नहीं होगा, और माइनर साइड इफ़ेक्ट लाइक माइल्ड फीवर, थोड़ा बॉडी एक और इंजेक्शन साइड पेन, वो होता है सारे वैक्सीनेशन में। तो उसके लिए हम लोग पैरासीटामोल सेफ़ है जैसा कि गाइडलाइन है, उसमें एसिक्लोफेनेक या डाइक्लोफेनेक को यूज़ नहीं करना है, पैरासीटामोल को यूज़ करना है। खाने पीने में भी कुछ प्रिकॉशन लेना है या फिर? नहीं, वैक्सीन लेने के बाद कोई ऐसा प्रिकॉशन लेने का कोई, जैसे पेन होने पे कोई पेन किलर वगैरह ये सब? पेन किलर में मैंने बताया पैरासीटामोल ही लेना है, डाइक्लोफेनेक नहीं, डाइक्लोफेनेक ग्रुप की कोई दवा नहीं।